आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मस्थली में पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचकर सीएम योगी ने आराधना भी की। पूजा के बाद सीएम योगी को बांके बिहारी की प्रतिमा भी भेंट की गई। तो इस वक्त आप दो अलग अलग तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना की, जिसके बाद उन्हें बांके बिहारी की प्रतिमा भी भेंट की गई। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मथुरा दौरे पर पहुंचे थे। वही अपने दो दिवसीय मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ की। इस दौरान सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करते हुए नजर आए। वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह मंदिर के पुजारी सीएम योगी आदित्यनाथ को पूजा करवा रहे हैं। इसके बाद उन्हें बांके बिहारी की प्रतिमा भी भेंट की गई। तो आपको बताते चले कि कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे दिन की शुरुआत की। इसके बाद वो तमाम कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत भी करेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना के साथ की। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर माला चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वही पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद रहे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो आपको बताते चले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विवाद के बाद ये एक ऐसा विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से कड़े प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, जहां वो पूजा अर्चना जब भी अयोध्या जाते हैं तो वो भगवान श्री राम के स्थल पहुंचते हैं, तो जब भी वो मथुरा पहुंचते हैं तो भी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जरूर जाते हैं और लगातार पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनी राम खंडेलवाल जुड़े हुए हैं। धनी राम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना की, तो उसके बाद आज कौन कौन से अन्य कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे? आपको बता दूं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हुए हैं, जहाँ कल उन्होंने सबसे पहले जाकर के बिहारी जी के दर्शन किए और कम से कम 15 मिनट तक वो बिहारी जी की छवि को निहारते रहे जी। और उन्होंने सुख शांति और उसके लिए सभी दुआ मांगी। सुरक्षा को लेकर के अगर बात करें तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे और आज भी सुबह वो सुबह श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे और वहां भी करीब 25 मिनट तक उन्होंने श्री कृष्ण की छवि को निहारा और प्रोटोकॉल सुरक्षा के बीच में वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचे। आज अहम मुद्दे उनके लिए ये है कि आज वो पूरे दिन मथुरा में ही रहेंगे, जहां वो कई मुद्दों पर बात करेंगे और कई उनका अवलोकन भी करेंगे। धन्यवाद धनीराम खंडेलवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार साल 2006 के वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। मामले में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीरियल ब्लास्ट के एक मामले में 18 लोगों की मौत हुई थी और दूसरा मामला वाराणसी के घाट पर बम मिलने का है। इस मामले का फैसला आने से लोगों में खुशी देखने को मिली। आपको बताते चले कि 16 साल पहले संकट मोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। दरअसल 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हम लोग मिठाई बांट कर चुकी, निर्णय आने में काफी समय लग गया,
लेकिन न्यायालय है, दे रहा है, दुरुस्त है, फैसला का सम्मान है और थोड़ा समय लगा, इसको तो तत्काल फांसी चढ़ा देनी चाहिए थी क्योंकि इतने बड़े घटना को उसने अंजाम दिया था। और संकट मोचन जैसे हमारे धार्मिक स्थल पे इसके द्वारा बम ब्लास्ट कराया गया था, किया गया था, तो ऐसे लोगों को तो तत्काल फांसी दे देनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के। लेकिन इसमें 16 साल लगा, 16 साल के इंतजार के बाद ये सुखद अनुभूति रही है कि इसको फांसी दी गई। उसी की खुशी में हम लोगों ने आपस में मिठाई बांटकर कचहरी परिसर में जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट और कैंट कन्वर्सेशन पर जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, इसको लेकर के आज गाजियाबाद जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में वाराणसी लास्ट केस में आतंकवादी वलीउल्लाह को आज फांसी की सजा सुनाई गई। 16 साल बाद मृत्यु परिवार के लोगों को न्याय मिला है, जो अपनी बात को लेकर के सरकार और अदालत से गुहार लगा रहे थे कि ऐसे आतंकी को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए और आज उन परिवार वालों को उनकी खुशी जरूर मिली। 16 साल बाद इंसाफ मिला है कि अपना बिल्कुल गलत नहीं होगा, उन परिवार के साथ पूरे देश को इंसाफ। बदायूं के म्याऊं ब्लॉक की ग्राम पंचायत लभारी में कचरे का अंबार लगा है और ये कचरे का अंबार स्वच्छता मिशन पर पलीता लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन बाजार से कचरे का ढेर होने से आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, बाजार में सफाई के नाम पर पैसों की वसूली की जाती है। इस मामले में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर लापरवाही के आरोप भी ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गंदगी का अंबार होने की वजह से कई बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह केंद्र सरकार के स्वच्छता मिशन का खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है और लगातार कचरे का अंबार जो है वहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव इस मामले पर लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जबकि लोगों का भी ये कहना है कि अगर इसी तरह से गंदगी का अंबार लगता रहा और साफ सफाई नहीं हुई तो लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बुलंदशहर जिला कारागार में महिला सशक्तिकरण के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला प्रशिक्षण संस्थान और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से महिला बंदी दक्षता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा और क्षेत्राधिकारी स्याना वंदना शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए चित्रकारी, हस्तशिल्प, नृत्य और गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुलंदशहर से सामने आ रही है और ये जिला कारागार की तस्वीर है, जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला बंदी दक्षता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनका आयोजन भी किया गया। जिला कारागार में महिला बंदियों के बीच महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत महिला प्रशिक्षण संस्थान व नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से महिला चित्रकला, हस्तशिल्प, नृत्य और गायन प्रतियोगिता का अलीगढ़ में यूपी से राष्ट्रीय जाट महासभा ने अपनी मांगों को लेकर पीएम को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने आर्थिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े जाट समाज को केंद्र में पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जाने की मांग उठाई है। साथ ही ये मांग भी की गई है कि देश में किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों की अधिकतम दूरी 125 किलोमीटर के अंतर्गत ही रखी जाए। साथ ही यूपी में 2021 दारोगा भर्ती में घोटाले का मामला सामने आने पर भी उसकी जाँच कराए जाने की मांग उठाई गई है। आज का ज्ञापन जाट राष्ट्रीय महासभा की तरफ से दिया गया है, जिसमें समाज के मुद्दे हैं, युवाओं की आरक्षण, जो हमें केंद्र में जाट आरक्षण मिलना चाहिए जिससे हमारे युवाओं को नौकरी अच्छे से लग सके, और दूसरा मुद्दा है जो यूपीएसआई 2021 में जो धांधलेबाजी हो रही है जिसमें निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए, और तीसरा मुद्दा ये है हमारा आर्मी की जो भर्ती 3 साल से नहीं हुई है उसमें
कोरोना टाइम के कारण जो युवा उम्र से ओवरेज हो गए हैं उन्हें 2 साल की छूट दे दी जाए। ये हमारा इन बिंदुओं पे है कि एक तो बेरोजगारी, एक नौजवानों की भर्ती के लिए, और ये हमने ज्ञापन जो दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है, इसलिए डीएम महोदय के द्वारा हमारी मांगे हैं कि जो कोरोना टाइम में जो 2 साल बच्चों के पढ़ाई में और उसमें ख़राब हुए उसके लिए 2 साल की अवधि बढ़ाई जाए, जो नौजवानों के आर्मी में उम्र लेकर रही है। एक तो मांग हमारी यह है, एक हमारी रोजगार, एक जो जाट हैं जो पिछड़ा वर्ग, मेन मांग पिछड़ा वर्ग जो जाटों को फरीदाबाद के सेक्टर 15 अजरौंदा मेट्रो स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। वही ट्रक से धुआं उठता देखकर ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर ने समझदारी का परिचय देते हुए खुद को ट्रक से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई, और देखते ही देखते ट्रक ने दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। वह इस मामले की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक खड़ा ट्रक धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ड्राइवर ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए ट्रक से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं ये आग इतनी भीषण थी कि इसने पास में खड़े दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। पहले इस बड़े ट्रक में आग लगी है, इसके बाद फिर ये आग को उसने भी पकड़ लिया। तब तक फायर ब्रिगेड आई, तब तक उस गाड़ी को भी लपेट में ले लिया। आपके ट्रक में क्या कुछ लोड था? हमारे ट्रक में तो लोहा लोड है, वो रखा तो है, पाइप और शीट है। होगा कम से कम 20-25 लाख का माल। रेड लाइट पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसे ही हमें धुआं दिखाई दिया हम लोग इधर भागे, विद स्टाफ आके देखा तो ट्रक में आग लगी हुई थी। तुरंत हमने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान दबंग युवक फिल्म स्टाइल में तलवार लहराता नजर आया। मारपीट के मामले में कहा जा रहा है कि जमीन के चक्कर में दबंग पीड़ित परिवार को परेशान करता है और दबंग पीड़ित की जमीन को हड़पना भी चाहता है। पीड़ित को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। वही वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और फरार आरोपी की भी तलाश जारी है। तो आप इस दौरान देख सकते हैं खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां एक वायरल वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम दिन दहाड़े तलवार लहराता हुआ नजर आ रहा है। वही दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट भी देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये वही तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी इन दिनों वायरल होती हुई नजर आ रही है। फरुखाबाद में रेलवे स्टेशन से चौक तक नगर मजिस्ट्रेट ने एक बार फिर चिन्हांकन किया, जिसमें पूरा टाइम सेंटर और उसके सामने की दुकान उसकी पूरी जद में आ गई। बीते दिनों व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा बॉबी पूरे अभियान के दौरान नजर नहीं आए। वही व्यापारियों के हित को लेकर व्यापारी नेता मोहन अग्रवाल लगातार डटे हुए हैं। बाजार पे चिन्हांकन किया है और जो भी अतिक्रमण की घटना है, एक दिन पहले भी चूना डलवाया गया था, लेकिन कई लोगों ने वो चूना हटा दिया, तो हम लोगों ने परमानेंट निशान पेंट कराए हैं। जितना इन्हें अतिक्रमण है उतना उन्हें पीछे हटा दें। मैम, चौक चौराहे पर क्या नाम है? पूरे ऑल ओवर द रोड जो 1240 है, 1984 के एक डीएम साहब का सर्वे कराया हुआ था, उसमें 1240 मीटर रोड है, उसी के हिसाब से मध्य बिंदु से 26 इधर 26 इधर लिया गया। कब तक का निर्देश दिया गया? तीन दिन हमने दिए थे, सभी लोग तैयार हैं और 3 दिन और का समय दिया गया है कि इसमें अगर ये अपना काम लगा लेंगे तो हम जेसीबी से ये दोष नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रशासन ने पुराने रिकॉर्ड्स में 13 मीटर सड़क डिलीवरी रिकॉर्ड्स में निकाली थी। कल डीएम साहब के सामने हम लोगों की बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय भी वहाँ पर थी, तो 12.40 मीटर पर सहमति बनी और यहाँ पर हम लोग इसलिए मौजूद थे कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में चिन्हांकन ठीक हो सके, किसी का चिन्हांकन गलत ना हो और पूरा समय व्यापारी को खुद अपनी जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाए। ऐसा ना हो कि जेसीबी आए उसको तोड़ के चला जाए तो 7 फ्लोर पूरे बिल्डिंग में नुकसान पहुँचे। तो मैडम ने अनुरोध को मान भी लिया और
सात दिन का समय दिया कि इतवार तक अपना जो है तोड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।